Hey guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily updates. Hello students, our today topic is population stabilization. देखिए, in the last century an all around development in various fields significantly improved the quality of life of the पीपल. क्या बोला जाए, जो भी लास्ट सेंचुरी से जो भी डे बाय डे बहुत सारे जो भी वेरियस फील्ड हैं उसमें डेवलपमेंट हो रही है. इससे क्या हो गया, जो भी लाइफ की जो भी क्वालिटी थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है. जो भी हावर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन, जो भी इससे क्या हुआ कि हेल्थ फैसिलिटी में इंक्रीजमेंट हुआ है जिससे कि बेटर लिविंग कंडीशन हुई, हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. और उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे हुआ है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. The world population which was around 2 billion in 1900 में कितनी थी, 2 billion, जो कि 2000 में 6 billion हो गई and 2011 में 7.2 billion हो चुकी. इसी टाइप से इंडिया में भी एक सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि हावर पॉपुलेशन, जो कि इंडिपेंडेंस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन अप्रोक्सीमेटली थी, जबकि वो 2000 में वो बिलियन मार्क तक पहुंच गई है और मई 2011 तक वो 1.2 बिलियन पहुंच चुकी है. ए रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मोस्टली मैं यहाँ पर तुम्हें 5 मार्क्स की क्वेश्चन बताऊंगी, साथ साथ में नोट करते रहना. ए रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. व्हाट डू यू मीन बाय मोर्टेलिटी डेथ रेट, फुल फॉर्म मोस्टली पूछी जाती है, MMR के फुल फॉर्म एंड IMR. IMR से क्या हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR के फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की. इनमें डिक्लाइन हुआ है एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस की. एक तो क्या इफेक्ट हुआ कि जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीजमेंट हुआ है, और इसके साथ में जो भी रिप्रोड्यूसिबल एज के जो भी पीपल्स थे उनके नंबर में इंक्रीजमेंट हुआ है. जो भी RCS जो भी प्रोग्राम्स चल रहे थे इससे क्या बता दिया कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम नीचे की तरफ ला सकते हैं, ब्रिंग डाउन. इट वॉज ओनली मार्जिनल, ये सिर्फ मार्जिनल है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बता दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो भी रेट था वो लेस देन 2% था, यानी कि 20 per 1000 पर ईयर रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, कि जिस रेट के साथ में पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कर्सिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट. यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है तो उसके कौन कौन से ड्रॉबैक है, तो क्या होगा कि उसके जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उनमें क्या हो जाएगी, स्कर्सिटी हो जाएगी, इनकी कमी आ जाएगी. कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, फूड की कमी होगी, शेल्टर की कमी होगी, क्लोथिंग वगैरह की कमी हो जाएगी, इन स्पाइट ऑफ ए सिग्निफिकेंट प्रोग्राम मेड ऑन दोज एरिया, ताकि और उनको रहने के लिए भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी. देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इसलिए जो भी गवर्नमेंट होती है वो सीरियस मेजर्स टेक कर रही है ताकि जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक कर सके. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि जो भी डे बाई डे जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसका ओवरकम करने के लिए सबसे मेन जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या होगा, कि जो भी स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करें, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वगैरह का यूज़ करके स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करें. तो मोस्टली तुमने मीडिया या फिर पोस्टर या फिर बिल्स वगैरह पर या फिर जो भी मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आती है उनमें देखा होगा कि एक हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन और उनका स्लोगन क्या होता है, हम दो हमारे दो. तो मोस्टली जो भी कपल्स हैं, जो भी यंग कपल हैं या फिर जो भी अर्बन एरिया से हैं या फिर जो भी वर्किंग वंस हैं, ये क्या करते हैं कि अडेप्ट करते हैं कि 1 चाइल्ड नॉर्म की, एक ही बेबी हुए, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, कि इसके अलावा कौन कौन से स्टेप है, जो भी फीमेल्स की एज मैरिज के लिए 18 ईयर्स है और जो भी मेल्स की एज कितनी है, 21 ईयर्स, एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज, और जो भी स्मॉल फैमिलीज हैं उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है, जो भी स्मॉल फैमिलीज के जो भी कपल हैं उनको इंसेंटिव मिलता है. ये कुछ दूसरे मेथड हैं जो कि इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं. नेक्स्ट हम जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो भी बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होते हैं उनके बारे में रीड करेंगे. सो यहाँ पर एक तो इनकी फुल फॉर्म अच्छे से करना, MMR, IMR,
भी पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, तो उसके ड्रॉबैक कौन से होंगे और जो भी गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर कौन कौन से स्टेप लिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट।